नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खंडवा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर क्षेत्र में आज अधिकारियों के लिए सोमवार 13 जुलाई 2020 का दिन आम लोगों सहित कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं सुनने और दिए जा रहे ज्ञापनों को लेने में व्यस्त रहा। इसी तारतम्य में आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ द्वारा तो वहीं शासकीय उचित मूल्य दुकानदार संघ सहित प्राइवेट वाहन चालकों द्वारा अपनी समस्याओं को बताते हुए जिला प्रशासन एवं शासन के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द अपनी मांगों का निराकरण करने की मांग की गई। हालांकि इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों सहित खुद कुछ अधिकारी भी सोशल डिस्टेंस सहित मास्क नहीं लगाए देखे गए। जी, सबसे पहले आपका परिचय दें। सर, मेरा नाम नरेंद्र चौहान है जी। मैं एक वाहन चालक हूँ जी, और खंडवा से वाहन चलाता हूँ जी, ट्रेवल करता हूँ जिससे ही मेरा घर चलता है। और समस्त हम लोग ड्राइवर भाई लोग हैं जो सिर्फ गाड़ियों पे ही डिपेंड है, जो सिर्फ ट्रेवलिंग करते हैं, 400-300 रुपये कमाते हैं जी पर डे पर। अब प्रशासन द्वारा जो कल नया नियम निकाला गया है कि जिसमें लिखा गया है कि 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा समस्त परिवार के साथ में, तो सर अब हम ये कहना चाहते हैं कि 300-400 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 7 दिन कैसे क्वारंटाइन रह सकता है? तो हमारा जिसमें घर की स्थिति इतनी खास नहीं है, और वैसे ही लॉकडाउन जो 3 महीने का रहा है उसमें हमारी कमर ऑलरेडी पहले टूट चुकी है, जैसे तैसे हमारा घर का अपने गुजारा करा कर्जा ले लेके, कर्जदार से हम पहले ही परेशान है, ऊपर से प्रशासन अगर इस तरफ के नियम निकालता है हमारे प्रति तो हम कहाँ जाएंगे सर। इस विपक्ष में हमने ये आवेदन देना चाहते हैं कि जो इन्हें नियम निकाला है कल 7 दिन क्वारंटाइन रहने का, उस पर थोड़ा सा विचार किया जाए, ध्यान दिया जाए और इस नियम को हटाया जाए कि ड्राइवर को 7 दिन क्वारंटाइन ना रहा जाए। ये ज्ञापन आप किसके नाम प्रेषित कर रहे हैं? सर, हम कलेक्टर महोदय ड्राइवर यूनियन ड्राइवर के हिसाब से एकता जो है हमारी उसका। किसके नाम दिया जा रहा है? सर, सभी ड्राइवरों का नाम है। किसके नाम से? कलेक्टर महोदय के नाम से, खंडवा जिले के लिए। सभी खंडवा के ड्राइवर भी हैं। सुपरिचय बताएं आपका। सर, नरेंद्र चौहान। किस पद पे हैं? सर, ड्राइवर के। क्या बताएं सर, आज जो है इतने वितरण प्रणाली के क्षेत्र के लोग आपके समक्ष कुछ आवेदन लेकर आए हैं, जिनका कहना है कि जो मशीन के द्वारा कार्य होता है उसमें संक्रमण होने का उनको अंदेशा है, इसमें क्या कहेंगे और इस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो परिवार रहते हैं जिन्हें राशन मिलता है उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो आधार ऑथेंटिकेशन से पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर है, क्योंकि ये व्यवस्था शासन स्तर से है और इनके द्वारा जो मांग की गई है, बीच बीच में कुछ कोरोना पॉजिटिव्स को पाए जाने से हमने उनको ये बताया है कि जिस प्रकार से अन्य शासकीय कर्मचारी अथवा व्यक्ति जो सोशल डिस्टेंस मास्क और सैनिटाइजर के साथ में कार्य कर सकता है, उसी ढंग से कंट्रोल दुकान संचालक को भी पूर्व में निर्देशित किया गया है कि सोशल डिस्टेंस माध्यम बनाते हुए ये वितरण व्यवस्था वर्तमान में रखें। चूँकि जो इनके मांगे हैं, इनका मांग है कि इनमें जो कमीशन मिलता है वो बढ़ाया जाए, इनके बीमा कराए जाएँ, चूँकि ये सहकारी संस्थाओं की दुकानें हैं वाली ऑपरेटिव्स के माध्यम से इन पर निर्णय भोपाल स्तर से होना है, जिला से संबंधित इनकी शिकायतें नहीं है, ये इनको समझाइश दी गई है, इनको यह समझाइश भी दी गई, सुझाव भी दिया गया, बताया गया कि प्रशासन के साथ में सहयोग करें। मैं श्रीमान जिला आपूर्ति अधिकारी से पूछना चाहूँगा, यहाँ पर भी आपके खुद स्वयं कार्यालय में अभी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, इवन यहाँ पर खुद देखने को मिला, और आप स्वयं भी आप जब मीडिया को समक्ष में फेस कर रहे थे मास्क लगाने पर, जब मीडिया ने कहा तो आपने मास्क लगाया? नहीं, आपने नहीं कहा, क्योंकि मेरे को सांस की भी दिक्कत आती है और सोशल डिस्टेंस में भी मैं मेंटेन करता हूँ, और आप भी देख रहे हैं कि आप मेरे से कितनी दूरी हैं।
नमस्ते, परिचय दें सर आपका। आर के शुक्ला। किस पद पे हैं सर? यहाँ जिला जी। बताइए आज किस संदर्भ में आज यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय आप पहुँचे हैं? सर पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। एक गंभीर विषय को लेकर हम अजाक्ष सिंह की ओर से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपना जा रहे हैं, और जिसमें अभी विगत 2 जुलाई को दैनिक भास्कर में इतवारा बाजार सांपिक कॉम्प्लेक्स की 28 दुकानों की निविदा जारी हुई थी। उस इतवारा बाजार की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जितनी भी दुकानें हैं, तल मंजिल की 12 और प्रथम मंजिल की 16, इस प्रकार से कुल 28 दुकानों की 30 वर्ष तक लीज पर देने की निविदा जारी हुई। भास्कर समाचार पत्र में हमने पढ़ा, उसमें हमने ये पाया कि उन्होंने जो सेवा शर्तें नगर पालिका निगम आयुक्त द्वारा जो सेवा शर्तें का उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य संपत्ति अधिकरण अधिनियम 2016 के तहत आरक्षण नियमों का हमने पालन किया गया। जब हमने संपत्ति अंतरण अधिनियम 2016 का अध्ययन किया, हमने पाया कि इस विज्ञप्ति में जो दर्शाया गया है इसमें इस नियम का उल्लंघन हुआ है, इसका पालन नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर आज हम अपने विरोध दर्ज कराने संगठन के माध्यम से उपस्थित हुए हैं, और हम इसमें यह मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश संपत्ति अंतरण अधिनियम 2016 की कंडिका 1 और कंडिका 9 का नगर निगम आयुक्त महोदय खंडवा द्वारा खुला उल्लंघन किया गया है, जिसमें SC और ST, OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकानों के लिए होना चाहिए था, वो आरक्षण उसमें नहीं दिया गया है। कंडिका क्रमांक 9 में स्पष्ट ये उल्लेख है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उसमें यह है कि गत वर्ष नगर पालिका क्षेत्र का जो जनसंख्या की जनगणना है उसके अनुपात में इसमें रिजर्वेशन दुकानों के लिए होना था, उसमें 2% महिलाओं के लिए आरक्षित है। OBC के लिए 6% का प्रावधान है कि OBC के लिए 6% आरक्षण दुकानों के लिए दिया जाना था। आपका सुपरिचय दें। मैं प्रेमलाल कोठारे, अजाक्ष जिला अध्यक्ष खंडवा। आज आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं खाद्य विभाग कार्यालय में जिला के, क्या समस्या लेके आए? हमारी समस्या ये है कि जो POS मशीन है उसमें आधार आधारित जो वितरण करना है, और दूसरी बात जो अपना आधार को सीडिंग करना है, इन दोनों के संबंध में आए हैं। क्योंकि आज कोरोना काल के अंदर हमारे साथियों की मृत्यु भी होते जा रही है, तो हम इसको देखते हुए हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया है कि हम लोग है ना आधार सीडिंग करेंगे और न ही हम ग्राहक यानी उपभोक्ता के अंगूठे से हम वितरण कर पाएंगे। क्योंकि आज कोरोना के कारण कई लोगों को संक्रमित होना जा रहा है और फैलते जा रहा है, आज देख रहे हैं हम। और इस संदर्भ में हम सब एकत्रित हुए हैं, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी भाई लोग इकट्ठे हुए हैं और इसी का हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। लगभग कितने आपके जो है विक्रेता हैं यहाँ उपस्थित हुए होंगे? यहाँ लगभग 200 विक्रेता इकट्ठे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से। सुपरिचय दें आपका है? आपका परिचय दें। हाँ, मैं अध्यक्ष सुनील देवसानी, खंडवा विक्रेता संघ नगर। शासकीय उचित मूल्य दुकान। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा, सिटी रिपोर्टर मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।